दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कल की ये जो घटना है रियल में ही झकझोर देने वाली घटना है। क्या कसूर था उस बच्चे का? एक यही थी पानी पीना, और वो भी एक मटके से, एक स्कूल के अंदर। दोस्तों भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन जो कुछ प्रथाएं, कुछ रूढ़िवादियां हैं जो आजादी से पहले से चली आ रही थी, कानून कायदे के अंदर और कागजों के अंदर वो दफन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी वो हमारे बुद्धिजीवियों के अंदर प्रचलित है। क्या दोस्तों एक इंसानियत इनसे ऊपर नहीं है? एक इंसानियत इनसे ऊपर नहीं है क्या? या इंसानियत से ही बड़ी ये जाति या ये रूढ़िवादियां, ये प्रथाएं हो गई? अगर ऐसा है तो हमारी स्वतंत्र, हमारा होना क्या फायदा है? हमें आगे बढ़ने और विकास के दौर में हम जिसमें गुजर रहे हैं, उसमें अगर ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हमसे दरकिनार अगर नहीं हो रही, तो हम कैसे देश के भागीदार बनेंगे, कैसे देश के विकास में भागीदार बनेंगे? दोस्तों ये अस्पृश्यता जिसका खंडन हमारा संविधान की अनुच्छेद 17 भी इसका खंडन करता है। 1942 के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर एक सम्मेलन हुआ, उसके अंदर उन्होंने अस्पृश्यता का खंडन किया। उसके बाद में 1955 के अंदर हमारे देश के अंदर कानून भी बना जिससे हम अस्पृश्यता को दूर कर सके। उसके बाद में 1976 के अंदर और बना कानून, बहुत सारे कानून बन रहे हैं, उनमें अमेंडमेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं बदल रही। दोस्तों कानून कायदे नियम कानूनों से कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम इस देश के विकास के अंदर भागीदार नहीं बन सकते और हम अपना खुद का विकास नहीं कर सकते। मेरी अपील है आप लोगों से, आप इस मानसिकता से सभी ऊपर उठे। आप पढ़े लिखे युवा जनरेशन है इस देश की, आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, तो आप इनका हाथ नहीं उड़ाकर आप अपने मन को अंदर भी इनको इम्प्लीमेंट करें और बाकी जो जनता है उनको भी जागरूक करें और बताएं कि इनसे ऊपर जो हमारी ह्यूमैनिटी है, जो मनुष्यता है, जो इंसानियत है, वो इससे कहीं गुना ऊपर है। दोस्तों आप लोग इस जो मानसिकता है, ये रूढ़िवादी जो परंपरा की जो मानसिकता आप लोगों के दिल और दिमाग में है, इसको आप निकालने का प्रयास करें और बाकी सबको भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट करें। उनके आचार विचार और उनका व्यवहार में इस तरह से आप बदलाव कर सकते हैं, आप बदलाव करें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं इनको हम दूर कर सकें और हम एक अच्छे और सुसभ्य और स्वतंत्र राष्ट्र और समाज का निर्माण कर सकें। इसके अंदर आपकी भागीदारी बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग इसके अंदर पूरा सहयोग देंगे, पूरे भागीदार बनेंगे। मुझे भी दुख है, बहुत दुख है इस बात का कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा जो भी है करते ऐसा करते नहीं होना चाहिए। इन सब से हम बहुत परे हैं और हम इससे कई गुनी अच्छी मानसिकता वाले मनुष्य हैं और इससे कई गुना हम ऊपर हैं। तो दोस्तों मुझे जब ये संज्ञान में आया, मुझे देखने को मिला, तब मुझे खुद को भी काफी अंदर से दुखी महसूस हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं। दोस्तों जब हम बाहर रहते हैं घर से, जब हम सर्विस कर रहे हैं, जब मेरे जैसे बहुत भाई बहन नौकरी कर रहे हैं, तो हम वहां पर ये नहीं देखते हैं कि ये किस जाति का है, किस जाति का नहीं है। हमारे लिए वहां पर हम साथ में रह रहे हैं और हमारा सहयोग, हमारा भ्रातृत्व, हमारी मित्रता, यही हमारे लिए सबसे बड़ी और हमारे लिए यही सबसे सर्वोपरि होती है। तो क्यों न आप लोग वो वाली मानसिकता अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने घर और यहां पर भी आप उसको अपनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि मनुष्य धर्म से सर्वोपरि कोई भी धर्म नहीं है, मनुष्य जाति से सर्वोपरि कोई भी जाति नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसके अंदर जरूर सहयोग करेंगे, इसके भागीदार बनेंगे और सबको इसे जागरूक करेंगे, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हम इस देश के अंदर रहने वाले सभी धर्म भेदभाव, जाति भेदभाव को भुलाकर एक जगह इस एक देश के अंदर रहने वाले लोग हैं। तो क्यों न हमारी मानसिकता और क्यों न हमारा आचार व्यवहार सब ही एक हो। जय हिंद, जय भारत।